टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल, डोंट मिस लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। दोस्तों, इंडियन आर्मी में एक नया रोल जारी होने वाला है, आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी जल्द ही अपनी जो वैकेंसी इनकी आती है उसमें ये पहले ऑनलाइन टेस्ट और फिर फिजिकल कराने की विचार कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इनके जो पहले होते थे, पहले आपको फिजिकल पास करना होता था, उसके बाद आपका टेस्ट होता है। अब दोस्तों, इन्होंने ऐसा नहीं किया है, पहले आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, उसके बाद फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन समय से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आप जो ये पेज देख रहे हैं, ये अमर उजाला का पेज है, यानी कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर मैंने मेरी डेट सेलेक्ट किया हुआ है और ये 18 सितंबर का न्यूज है और यहाँ पर छठे पृष्ठ पर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको डाउन कीजिए और यहाँ पर ये न्यूज प्रकाशित की गई है, पहले ऑनलाइन टेस्ट फिर बुलावा, सेना भर्ती में बढ़ने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए व्यवस्था। ये दोस्तों, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, इसको न्यूज़पेपर कटिंग है। अब यहाँ पर आप इसको रीड भी कर सकते हैं। रेल भर्ती रैलियों में उमड़ने वाली युवाओं की भीड़ को मैनेज और इसकी वजह से भर्ती कार्यालयों में बड़े कार्यभार को कम करने के लिए सेना नई व्यवस्था बनाने जा रही है। इसके अंतर्गत आवेदकों का पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो आवेदक उसमें पास कर लेंगे उसको ही सेना में भर्ती के अगले टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि दोस्तों, अब सीधी सी बात है, नए रूल को लागू करने के लिए इंडियन आर्मी जल्द एक सॉफ्टवेयर तैयार करवा रही है और यह जल्द ही लागू हो जाएगा। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर के जरिए आवेदकों का पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा। दरअसल दोस्तों, जो इंडियन आर्मी की ओपन भर्ती होती थी, इसमें कम से कम 10-15 दिन का समय लग जाता था और इन भर्तियों में दोस्तों वहाँ पर फिजिकल के लिए पहुँच जाते थे। और दोस्तों, इसमें से आपके सबसे पहले दौड़ होती थी, फिर कूद आदि फिजिकल टेस्ट से होते थे। आलम यह था कि युवाओं की भीड़ को संभालने और उनके लिए व्यवस्था करना सेना के लिए मुश्किल होता था। और दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर के जरिए एक और अच्छी बात होने वाली है, दस्तावेजों में जो गड़बड़ी होती थी अब उस पर भी नज़र रखना आसान होगा। क्योंकि जो दोस्तों जिस कैंडिडेट की एज कम होती थी वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता था, अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, तो ये अच्छी खबर है जो कैंडिडेट इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही दोस्तों कोई न्यूज होगी, आपको सबसे पहले अपडेट कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं।